जैसे कि दोस्तों हम पांडुर्ना तहसील के अंतर्गत एक शास्त्री वार्ड आता है, शास्त्री संतोषी माता वार्ड में हम पहुंचे। यहाँ घर बनाने का काम चालू है, मकान बनाने का काम चालू है। तो यहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को एक सांप दिखा हुआ है। ये सबसे पहले सांप किसको दिखा है आपको दिखा? तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो काम करने वाले यहाँ पे व्यक्ति थे उनके पैर के ऊपर से चला गया था। जब इन्होंने पैर हड़बड़ी में झटका तब वो सांप ने फना निकाला, तब इनको समझ में आया कि वो सांप है करके। तो हम वही सांप को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कोबरा प्रजाति का सांप बैठा हुआ है, इसका पूरा भरा हुआ यह है और इसमें आराम फरमाने के लिए सांप आ गया है। देखिए दोस्तों कितना आक्रामक यह सांप है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह पानी में कितने आराम से ऊपर बैठा हुआ है और इसने कोई चीज खा ली है। देखिए आप देख सकते हैं इसका शरीर, इसका पेट कितना फूला हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये काफी गुस्से में आ गया है। देखिए दोस्तों खा लिए या खाने की तलाश में ऐसे स्थान पर आ जाते हैं। आप इसके पीछे का स्पेक्टिकल देख सकते हो जिसको मराठी में आंकड़ा कहा जाता है। देखिए दोस्तों यह छोटा है और सबसे जहरीले सांपों में इसकी गिनती है। इसके एक बाइट बहुत नुकसानदायक है, आपकी जान भी ले सकती है। तो दोस्तों यह अगर सांप किसी को काट दे, जहरीला सांप किसी को काट दे तो ऊंचा गोली झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए और अपना इलाज कराए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि जितना छोटा सांप दिखता है उतना ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक रहता है। आपको अगर बता दूं कि लेंथ होती है वो 6 फीट तक यह सांप बढ़ता है, 6.5 फीट तक यह बढ़ता है। तो दोस्तों यह जो सांप है इसको इंग्लिश में इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, वैसे एक नाम पलटू करके भी है। यह तो हलचल होने पर यह फट से अपना फना और अपना शरीर पलटा लेता है। आप देख सकते हैं, ये देखो